विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, भोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके। अब अपन साइंस का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो आज हम लेसन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, भोजन के घटक, के भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन पहला देखेंगे भोजन के घटक या भोजन के अवयव, मतलब भोजन के अंदर कौन कौन से अवयव या घटक पाए जाते हैं। इसके पहले अपन का पहला पॉइंट है, इसके अंदर विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो खाद्य पदार्थों के बारे में बता दिया था कि जिन पदार्थों को अपन खाने के काम में लेते हैं वो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अब इन खाद्य पदार्थों में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे अपन। विभिन्न खाद्य पदार्थों में अपन के पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये पोषक तत्व क्या करते हैं हमारे शरीर में किसी प्रकार से भागीदारी देते हैं। इन कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, पहला होता है अपन का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ठीक है, दूसरा होता है आपका प्रोटीन, तीसरा होता है आपका वसा, चौथा होता है आपका खनिज लवण, पांचवा होता है आपका विटामिन, छठा होता है आपका जल, सातवां होता है आपका खाद्य रेशे। ठीक है, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अपन के भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, खाद्य रेशे ये पाए जाते हैं। अब सबसे पहले तो अपन पोषक तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो पोषक तत्व ये क्या होते हैं कि हमारे भोजन में वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये जरूरी होते हैं, तो वे सभी क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, खाद्य रेशे, ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से हमें किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है। उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में आता है उनका पहले मंड का परीक्षण। तो मंड का परीक्षण क्या होता है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है मंड या स्टार्च और दूसरा होता है आपके शर्करा। कार्बोहाइड्रेट भोजन में मुख्य रूप से दो प्रकार से पाया जाता है, पहला है स्टार्च और दूसरा शर्करा। मंड को अपन स्टार्च ही बोल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन मंड का परीक्षण में, कि अपन इसका कैसे पता लगाए कि इस पदार्थ के अपन मंड पाया जाता है या स्टार्च पाया जाता है। देखो तो इसके बारे तो देखो मंड का परीक्षण, तो मंड के परीक्षण में अपन पढ़ेंगे कि मंड का परीक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन मंड का परीक्षण करने के लिए क्या लेंगे, एक खाद्य पदार्थ ले लेंगे या कच्ची सामग्री ले लेंगे जिसमें अपन को, जिस खाद्य पदार्थ का अपन को परीक्षण करना है। खाद्य सामग्री लेकर उस पर हमको 2-3 बूंदे तनु आयोडीन की डालनी है, 2-3 बूंदे तनु आयोडीन की डालेंगे, 2-3 बूंदे तनु आयोडीन की डालने के पश्चात अगर खाद्य सामग्री का रंग परिवर्तित हो जाता है और रंग भी कैसा, नीला या काला हो जाता है, तो उसके अंदर मंड पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, सबसे पहले अपन एक खाद्य सामग्री लेंगे जिसका परीक्षण करना है, उसके बाद में अपन उस खाद्य सामग्री में 2-3 बूंदे तनु आयोडीन की डालेंगे, 2-3 बूंदे तनु आयोडीन की डालने के पश्चात अगर खाद्य सामग्री का रंग परिवर्तित हो जाता है और रंग कैसा, नीला या काला हो जाता है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, देखो अगला परीक्षण है अपन का प्रोटीन का परीक्षण। अब किसी भी खाद्य सामग्री अपन को प्रोटीन का पता लगाने के लिए, प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो वही सबसे पहले अपन एक खाद्य सामग्री ले लेंगे
जिसमें अपन को प्रोटीन की जांच करनी है, खाद्य सामग्री लेके। इसमें क्या करेंगे अपन, इसके या तो खाद्य सामग्री ले लेंगे, अगर खाद्य सामग्री सूखी है तो उसको पीस लेंगे, या फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लेंगे, फिर इसको एक परखनली में डालेंगे। इस प्रकार से परखनली होती है अपने, इसके अंदर इसको डाल देंगे और इसके अंदर अपन 10 बूंदे जल की डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के पश्चात इसके अंदर अपन डालेंगे 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डाल देंगे और 10 बूंदे कास्टिक सोडे की डाल देंगे अपन। दो बूंदे कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदे कास्टिक सोडे की डाल देंगे। कास्टिक सोडे की डालने के पश्चात अगर इस विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है और विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो कि सबसे पहले अपन खाद्य सामग्री लेंगे, खाद्य सामग्री का उसके बाद में खाद्य सामग्री पीस लेंगे या उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के पश्चात उसको परखनली में डालने के बाद 10 बूंदे उसके अंदर जल की डाल देंगे और उसको अच्छी तरह हिला के मिला लेंगे। उसके बाद अपन 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 बूंदे कास्टिक सोडे की डालेंगे। इसके मिलाने के पश्चात अगर इसका रंग परिवर्तित होकर बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे बसा के परीक्षण के बारे में। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन एक कागज लेंगे और जिस भी खाद्य सामग्री अपन को परीक्षण करना है उसको लेंगे। उसके बाद में कागज में खाद्य सामग्री लपेट कर उसको थोड़ा कूट लेंगे। कूटने के पश्चात अपन क्या देखेंगे, अगर कागज में थोड़ी थोड़ी अपन लाइट में देखेंगे तो उसमें अपन को धब्बे नजर आएंगे कुछ, तो वो धब्बे रहते हैं अपन के बसा के। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बसा का परीक्षण करने के लिए, अपन सबसे पहले एक कागज लेंगे, उसमें एक खाद्य सामग्री जिसका परीक्षण करना है उसको ले लेंगे, खाद्य सामग्री को अच्छी तरह कूट लेंगे। कूटने के पश्चात अपन क्या देखेंगे कि उसमें कागज में थोड़े थोड़े धब्बे नजर आएंगे, वो धब्बे बसा के रहते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपन विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो हमारे मैंने बताया था आपको कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर को, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट सेवन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा देखिए अपन प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर का विकास करता है और हमें क्या है हमारे शरीर में विकास में भागीदार होता है। हमारे जो मसल्स होते हैं वो बढ़ाने काम करता है। तो प्रोटीन का काम है शरीर के विकास का। और कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको ऊर्जा नहीं देते उस स्थिति में हमें प्रोटीन ऊर्जा देता है। ठीक है, वसा देखते हैं अपन, वसा क्या करता है हमारे शरीर को सुडोल बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है। और वसा की उचित मात्रा होती है तो शरीर सुडोल बनता है, और वसा की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो जाती है तो शरीर
बेडोल हो जाता है। ठीक है, उचित मात्रा से तो सुडोल बनता है और अधिक मात्रा होने से शरीर बेडोल हो जाता है। अगर देखें विटामिन, विटामिन क्या करता है, विटामिन अपने होते हैं विटामिन ए बी सी डी ई और के, तो ये अपन के 6 विटामिन होते हैं, सभी अलग अलग कार्य करते हैं। विटामिन ए हमें आंखों की तीव्रता बढ़ाने के काम में आता है और विटामिन ए की कमी से हमें रतौनी रोग हो जाता है। ऐसे बी सी डी ई और के, इनके बारे में अभी बताऊंगा आपको। अगले देखिए अपन खनिज लवण, ये खनिज लवण क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। खनिज लवण क्या करते हैं, खनिज लवण हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं, शरीर को नियंत्रण करते हैं। खनिज लवण क्या करते हैं, हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं। और जल देखें तो जल का क्या काम है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर 70% भाग जल होता है जो हमारे शरीर से क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। खाद्य रेशे देखें तो खाद्य रेशे हैं भोजन को पचाने का कार्य करता है। खाद्य रेशे का क्या काम है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। दोबारा से देखो कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा देता है। प्रोटीन शरीर के विकास में बसा शरीर को सुडोल बनाता है। विटामिन अपन को होते हैं 6 प्रकार के विटामिन ए बी सी डी ई और के। खनिज लवण क्या करता है, शरीर नियंत्रण में सहायक होता है। जल क्या करता है, शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। खाद्य रेशे भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो देखो अगला हम पढ़ेंगे विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, मतलब इसमें हमको रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी की कमी से होता है हमको बेरी रोग। इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है हमको रिकेट्स। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है हमको नपुंसकता या प्रजनन क्षमता में कमी। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनना, मतलब रक्त क्या निरंतर बहता ही रहता है, रुकता नहीं है इसमें। तो देखो अगला पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार होता है ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। क्या होता है, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। क्या कहलाता है, संतुलित आहार, ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। अगला देखते हैं अपन अभावजन्य रोग या अभावजनित रोग। जैसा कि अपन को नाम से ही पता लग रहा है, इसके अपन संधि कर विच्छेद करेंगे तो इसमें अपन को पता लग रहा है, एक तो हो रहा है अभाव और दूसरा जन्य। ऐसे इसका करें तो अभाव जनित। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अभाव जन्य रोग या अभाव जनित रोग। जैसा अपन देखे इसमें नाम से पता चल रहा है अभाव जन्य, मतलब कमी के कारण जन्म लेने वाला, या अभाव जनित मतलब अभाव के कारण जन्म लेने वाला। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसा रोग जो कोई पोषक तत्वों की कमी के कारण जन्म लेता है वो क्या कहलाता है, अभावजन्य रोग। चाहे वो कोई से पोषक तत्व की कमी के कारण कोई ना कोई से रोग अपन को जन्म दे देता है। जैसा अपन में विटामिन की कमी से रोग पड़े, विटामिन ए की कमी से, अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी हो जाती है तो अपन के बेरी रोग हो जाता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है, आज का अपना चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को देखें,
वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।